पे काम चल रहा है। अच्छा, अभी तो कहानी पे, गाने पे बहुत सारी चीजें वर्क है। तो धीरे धीरे लाल दादा आए हैं सिर्फ गाने रेडी करने के लिए, बाकी हम कब कहाँ जाएंगे। अभी तो बहुत सारी सिनेमा है, पहले बहुत सारी सिनेमा है मेरी, तो जिस हिसाब से डेट इनका होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। बीच में आपके और देखिए आदमी लंबा खड़ा है, आदमी है थोड़ी, ये तो इंसान है। सर कुछ कहेंगे लाल दादा के जन्मदिन आज? बहुत बहुत बधाई लाल दादा को। अच्छा लाल दा, ये जो टी शर्ट पहना आपने किसने गिफ्ट किया जरा बता दीजिए। सबका क्वेश्चन है, या मेरा क्वेश्चन नहीं है? तीन साल से देख रहे हैं, सही सुदीक्षा जी आज जन्मदिन है लाल दा, कुछ कहना चाहेंगे? विश करना चाहूंगी हैप्पी बर्थडे। और ये हमारे मंटुआ की नानी की हीरोइन है जो कि मेन लीड में है, और इनके साथ मेरा दो गाने बड़ा सुपर हिट हुआ था, रेड लिपस्टिक और देखा गाड़ी मत दा। तो गाड़ी आपने दिया था क्या? नहीं, बदतमीजी करती है। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हमारे बिहार से हैं, हाजीपुर से हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे एरिया के लोग, हमारे बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, जहां भोजपुरी समाज के लोग हैं, कोशिश रहता है कि अपने बिहार के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, जो मेरे बस में होती है। बट मेरे बस में नहीं है कि मैं इनको आगे बढ़ा सकता हूँ, इनका अपना मेहनत और इनका अपना लगन जो भोजपुरी समाज के लिए होगा वो इनका दायित्व होना चाहिए कि हाँ हम, हमारे लिए अगर जिम्मेदारी सौंपी गई है तो ये मेहनत कर भी रही है, ऐसा नहीं है। और लाल दा के सिनेमा में फिर से ये साइन है, और आगे भी बहुत सारे सिनेमा है जिसमें इनको साइन करना है। अब इनके काम बहुत अच्छा इन्होंने किया है मंटुआ के नानी में, तो काम देखकर बहुत अच्छा कर रही है। इन्होंने रेड लिपस्टिक में पूरे बिहार पे तांडव किया, यूपी पे तांडव किया, देखा गाड़ी मंत्र में भी बहुत तांडव किया इन्होंने। कुछ बोलना चाह रही है? कुछ बोलना चाह रही है? इनको जा रहा है, इन्होंने मुझे मौका दिया गाना करने का, तो मैं दिखी लोगों को, लोगों ने मुझे जाना, उससे पहले मुझे कोई नहीं जानता था, तो थैंक्स टू हिम मैं बहुत खुश हूँ, इनकी वजह से मुझे मौका मिला, इनकी वजह से मुझे लोग जान रहे हैं। उनको पर्सनली तौर पर कुछ कहना चाहती है? थैंक यू के अलावा कुछ कहना चाहती है? इनके लिए शब्द नहीं है, अगर मैं कहूंगी तो शायद कम पड़ेगा, बहुत अच्छे इंसान है, और क्या बोलूं, बस यही समझ लीजिए। लाल दा और कुछ कहना चाहते हैं उसके अलावा? बहुत लंबा ले रहे हैं यार। देखो मैं दो चीज कहना चाहता हूं, अभी ऑल हैप्पी बर्थडे टू संजय भूषण पटियाला या मेरे तो बहुत चाहते निर्देशक हैं। जिला चंपारण पहली फिल्म हमने की थी, उसके बाद कोली नंबर वन की इनके साथ, और मतलब हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। फिल्में बीच में कुछ नहीं भी की। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लाल दा को जन्मदिन की, और 2021 में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दें ये इंडस्ट्री को। लाल दा से बहुत उम्मीदें हैं, इन्होंने अब तक जितनी भी फिल्में दी बहुत खूबसूरत फिल्में दी, अलग कॉन्सेप्ट पे दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नए साल में बहुत प्यारी फिल्में देंगे, और जन्मदिन की फिर से ढेरों शुभकामनाएं। खलनायक सबसे ज्यादा पीटे इसमें डायरेक्टर का हाथ होता है, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, मुझे इन्होंने पिटवाया नहीं बहुत ज्यादा। कुली नंबर वन बहुत तो सॉफ्ट रोल दिया था, जिला चंपारण में भी बहुत ज्यादा नहीं पिटवाया, थोड़ा इज्जत बचा के रखी। तो संजय पांडे को सबसे ज्यादा पीटने में मजा था या पीटने में? पीटने में। आइए देखिए, आपको बगल में हीरोइन है सुदक्षा झा, क्या कहेंगे जी इनका जन्मदिन आज? पहले तो मैं इनको विश करूंगी हैप्पी बर्थडे, इनका बर्थडे है इसलिए मैं आई हूँ इनको विश करने, केक लेके भी आई हूँ, केक कट करने। मैंने फर्स्ट मूवी इनके साथ की थी, इन्होंने मुझे लॉन्च किया था, एंड सेकेंड मूवी मैं इनके साथ कर रही हूँ। सो ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, हम जैसे को काम देते रहे। इनकी दो अच्छाइयां बताइए, दो बुराइयां? ये बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बुराइयां नहीं पता, इतना क्लोज नहीं हूं। लाल दा हीरोइन जो है आपकी बुराई नहीं कह रही है कैमरे के सामने, क्या रीजन हो सकता है? नहीं पता मुझे, बुराई है ही नहीं तो क्या कोई करेगा संजय जी? बुराई जब है ही नहीं तो क्या कोई हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर जो है, देखिए एकदम मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है कोई आम मिल गया इनको खाने के लिए, सुरेंद्र प्रसाद जी जो कई फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, कुछ कहेंगे आपके दोस्त करीबी रिश्तेदार का जन्मदिन है आज? चलिए हम कैमरे दूसरे तरफ ले चलते हैं, हमारे साथ मार्केटिंग हेड विजय यादव जी हैं, जन्मदिन पे कुछ कहना चाहेंगे? जन्मदिन की बहुत बहुत उनको पहले बधाई देना चाहूंगा, और
लाल दा बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और अच्छे इंसान हैं। इनके साथ मैं चार फिल्मों से जुड़ा हूँ। कैमरे के सामने तो नहीं बोल रहे हैं किस देख के? नहीं नहीं, सही में इनके चारों फिल्मों में मेरा पोस्टर पे इनके साथ मेरा नाम है और आज भी है। हाँ, तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। इनकी जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना कि ऐसे हम लोग मनाते रहे, और बड़ा इत्तेफाक है कि इस साल ये बम्बई में है और हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। आज वर्ष की पहली तारीख है और इनका बर्थडे भी है। खेसारी जी भी थोड़ी देर पहले थे, अभी कहेंगे फिर आने वाले हैं, तो हम लोग इनका जन्मदिन का सेलिब्रेट। ये कौन सा जगह है? ये बांगुर नगर है। ये खेसारी जी का ऑफिस है, बांगुर नगर मलाड वेस्ट। संजय जी, सुरेंद्र जी जो फिल्म के प्रोड्यूसर इनके साथ आपने जिला चंपारण किया था, बड़ा शर्मा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, जरा हेल्प करने को चाहेंगे। नंबर वन भी किया था सुरेंद्र जी, मतलब पर्दे के पीछे के मुख्य भूमिका इन्हीं की होती है और ये उस भूमिका को बखूबी निभाते हैं। मुझे नहीं लगता एज एन एक्टर और एज ए टेक्नीशियन किसी को भी इनसे कभी कोई शिकायत रही हो। एक अच्छी यूनिट को कैसे मैनेज करना है, ये जोड़ी बहुत कमाल है। दरअसल पुरुष और डायरेक्टर की जो जोड़ी है, ये रिश्तेदार भी हैं, पुराने दोस्त भी हैं, तो ये दोनों लोग मिलके तो स्मूथ काम करते हैं सेट पे, कि दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट को बहुत ही प्यारे ढंग से संचालित करते हैं, किसी को कोई शिकायत किसी से नहीं होती। अब चलते हैं हम डायरेक्ट डायरेक्टर के पास। सर, आज कौन कौन हीरोइन को फोन नहीं आया अभी इस करने के, जरा बताइए। सिर्फ हीरोइन क्यों बोल रहे हैं आप? हीरोइन क्यों मीन कर रहे हैं आप? समझ सकते हैं चीजों को। बहुत लोगों का फोन आया, बहुत आर्टिस्टों का। मैंने सिर्फ पूछा किस हीरोइन का कॉल अभी तक नहीं आया है, सिर्फ क्वेश्चन ये डायरेक्टर के लिए। अरे भाई, जिनके साथ काम किया है, जिनको मैं जानता हूँ, मेरी वाइफ का भी फोन आया था। हीरोइन है तो भाई जिनके साथ हमने काम किया, जिनके साथ। चलिए मैं उस क्वेश्चन से आगे बढ़ता हूँ, हमारे डायरेक्टर साहब बहुत शर्मा रहे हैं। शर्माने की बात और मैं अच्छा, चलिए मैं पूछा किस किस का आया है, उसके नाम बता दीजिए। किस किस का सुबह से कॉल आया, दो चार दस जरा सेलिब्रिटी के नाम बता दीजिए। मैसेजेस सबका आया।